हाई फ्रेंड्स टुडे आई एम यर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू वी हैव यूर चैप्टर नंबर फोर इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नेम इज़ सप्लाई एनालिसिस वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस फुल चैप्टर टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डू द मेन पार्ट लॉ ऑफ सप्लाई ओके हम लोग इसका मेन जो पार्ट है लॉ ऑफ सप्लाई वो पहले करेंगे लेट्स सी वॉट इज लॉ ऑफ सप्लाई ऑल अबाउट ओके सो यहाँ पर देख सकते हो आप लॉ ऑफ सप्लाई जैसे हम लोग ने इसके पहले के चैप्टर में इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर थ्री ए एंड थ्री बी वॉज फुल ऑफ डिमांड ओके तो चैप्टर नंबर थ्री ए और बी में हम लोग ने डिमांड के बारे में देखा था इन चैप्टर नंबर फोर इट इज ऑल अबाउट सप्लाई ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई इट इज सिमिलर टू लॉ ऑफ डिमांड ओके इट इज एक्जैक्टली अपोजिट टू लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई क्या है देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट एज सेड अर्लियर ऑल्सो इन माई विडियोज वेन एवर इज अ क्वेश्चन आस्ड अबाउट लॉ यू शुड राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ लॉ ओके द शेड्यूल टेबल डायग्राम एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम एक्सेप्शन पार्ट लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एज सेड मार्शल का नाम आपको तीनों लॉ में लिखना है लॉ ऑफ डीएमयू लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई तीनों में आप डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का नाम लिख सकते हो ठीक है इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यही लिखना है इंट्रोडक्शन so पार्ट हो जाएगा तीनों लॉ के लिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ वॉट डज द लॉ से ओके सो अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बींग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी सॉरी कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वालिटी क्वांटिटी सप्लाइड सो यहाँ पे एक बात क्लियर है लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है प्राइस हायर सो सप्लाई भी ऑल्सो भी हायर आपने डिमांड में देखा होगा उल्टा था बिल्कुल उल्टा प्राइस ज्यादा होती थी तो डिमांड कम होती थी यहाँ पे उल्टा है प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा ये क्यों है बिकॉज जो सप्लायर होता है प्रोड्यूसर होता है वो क्या चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट्स सो व्हेन द प्राइस आर हायर वो हाई सप्लाई करेगा ओके okay? सो so, यहाँ पे पूरा लॉ एकदम अपोजिट हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड से लेटेस्ट सी यहां पर लॉ ऑफ डिमांड से यह अलग कैसे हो जाता है टेबल गिवन ईयर सप्लाई शेड्यूल ओके लेटेस्ट सी द सप्लाई शेड्यूल ईयर आप देख सकते हो टेबल है लेफ्ट साइड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी विच इज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड राइट साइड ऑफ द टेबल इज Commodity in quantity in kgs supplied, okay. What the supplier supplies, so here you can see when the price was 10 in the first column, the supplied quantity was only 100 kgs, okay. As the price goes on increasing, the quantity supplied also goes on increasing. Here you can come to know from the table, okay. So here you can see as the price goes on increasing, the quantity supplied also increases. When the price was 50, when the price was highest 50, you can see the right side of the column. फाइव हंड्रेड केजीज ऑफ क्वांटिटी वॉज सप्लाइड सो इससे एक बात श्योर है बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर जैसे नीचे लाइन में लिखा है देखो इट एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड सो यह एक बात पता चल गई हम लोग को प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड ओके अभी उसका डायग्राम कैसे आएगा देखो लेट सी द डायग्राम लॉ ऑफ सप्लाई का सप्लाई कौ कैसे आएगा आपने लॉ ऑफ डिमांड का कौ देखा होगा डिमांड कव विच वॉर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ओके अगर आपको याद होगा तो डिमांड कव आपका कैसे जाता था ऐसे जाता था ओके डी डी डिमांड कव आपका कैसे होता था नीचे जाता था बट यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का कौ कैसे जाएगा इट इज गोइंग अपवर्ड्स ओके लॉ ऑफ सप्लाई कव इज गोइंग अपवर्ड्स वाई बिकॉज एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज तो यहाँ पे एक बात साफ है Law of demand ka curve is going downwards from left to right. Law of supply ka curve is going upwards from left to right. Okay. So here you can see the first thing when the price was 10, the supplied quantity was how much? 100. Okay. When price was 20, supplied quantity was 200, 30, 300, 40, 400, and 50 pay 500. So here you can see the supply curve is going upwards. So a supply curve. हमेशा ऊपर जाता है इसके लिए इट इज कॉल्ड एज गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एस एस कौ जिसको बोलते हैं सप्लाई कौ इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स इसके बारे में आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो फिर उसके बाद आता है उसका एक्सेप्शंस एंड एजम्पन्स एक्सेप्शंस आपको पहले ही पता है एक्सेप्शंस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो आ, आ, उसके बिल्कुल अपोजिट होती है ओके सो एक्सेप्शंस एंड एजम्पन्स आर बोथ और पार्ट्स ऑफ द लॉ आपको एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा ऐसे ही पूछा जाएगा वॉट आर द एंड द्वट आर द तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस सी वॉट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चेंज नहीं होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सेम इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस देन योर सप्लाई विल ऑल्सो चेंज सो ये एक एजम्पन है उसके बाद सेकेंड एजम्पन कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये भी ज़रूरी नहीं कि होगा और जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था एजम्पन्स मीन्स वॉट एजम्पन्स मीन्स ऐसा होता तो वैसा होगा वैसा होगा तो ऐसा होगा ये सारी किताबी बातें होती है दे आर नॉट प्रैक्टिकल ओके दे आर थियोराटिकल सो इनके बारे में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है दे आर जस्ट बुकिश तो ये कहा गया है सेकेंड एजम्पशन में कॉन्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग न्यू मशीनरीज न्यू इन्वेंशन न्यू आर एन डी सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग सो ये भी एक एजम्पन है थर्ड नो चेंज इन वेदर कंडीशंस अब यह भी पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री में वेदर कंडीशंस कभी सेम नहीं होते हैं सो वेदर कंडीशंस अगर सेम नहीं है तो so, सप्लाई में चेंज आने ही वाला है ओके एज यू कैन सी अभी जैसे कि लॉकडाउन था हमारा तो सप्लाई डिमांड सप्लाई सबका प्रॉब्लम हो चुका था ओके सो दिस थिंग्स कैन हैपन रेनी सीजन है ठंडे की सीजन है कोई भी सीजन में सप्लाई चेंज हो सकता है नो चेंज इन वेदर कंडीशंस नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ये भी एजम्शन है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए ऐसा ही एजम्पन मान के चल रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसी हर टाइम चेंज होती रहती है हर साल चेंज होती रहती है फिफ्थ नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दिस इज ऑल्सो एजम्शन विच इज नॉट ट्रू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमेशा बढ़ते रहता है एज द डीजल प्राइस इंक्रीजेज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस सो दिस इज ऑल्सो बुकिश एजम्पन सिक्सथ प्राइसिस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल सारे दूसरे के गुड्स आप सेम प्राइस रहेंगे ऐसा थोड़ी मान के चल सकते हैं सारे के सारे गुड्स के प्राइस कभी ना कभी चेंज हो गए आपको भी करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को भी करना पड़ेगा सेवेंथ नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ओके ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा या बढ़ेगा कोई ज्योतिष नहीं है ओके okay? सो so ये नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का भी एक क्या होता है एजम्पन्स होता है और ये सप्लाई का जो डायग्राम और हम लोग ने टेबल देखा अभी पहले ठीक है सप्लाई का हो सप्लाई का डायग्राम तो ये सारे एजम्पन्स थे उसके बाद उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं एक्सेप्शन आर दोज थिंग्स विच आर एक्जैक्टली अपोजिट टू द लॉ लॉ क्या बोलता है सप्लाई कव ऑलवेज गोज अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलेगा उल्टा एक्सेप्शन क्या बोलेगा इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स या फिर उसका बिल्कुल उल्टा बोलेगा सो लेटे सी क्या बोलते हैं सबसे पहले सप्लाई ऑफ लेबर एक्सेप्शन नंबर वन सप्लाई ऑफ लेबर लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कर्स टू वर्कर हैज वर्क एट अ गिवन वेज रेट फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपके फैक्ट्री है आपके इधर दस वर्कर्स को आप, आपने एम्प्लॉय किया गया है उनको आप रोज़ का फिफ्टी रुपीज़ दे रहे हैं और पाँच घंटा काम करा रहे हैं तो उनका वेज रेट घंटे के हिसाब से अगर आप गिनो तो टेन रुपीज़ पर आवर होता है ओके सो सप्लाई ऑफ लेबर इसमें कैसे काम करता है वो दिखाया यहाँ पे इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेज द सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो जाहिर सी बात है अगर आपने पगार बढ़ाया तो उनका वर्किंग आवर्स भी आप बढ़ाओगे ओके सो द सप्लाई स्लोप्स अपवर्ड्स पहले तो वो ऊपर ही जाएगा एज पर द लॉ सप्लाई ऑफ लेबर टेंस टू गो अपवर्ड्स सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विद फर्दर राइज इन द वेज और आगे अगर उसका आप वेज बढ़ाओगे ना तो वो काम ज्यादा नहीं करेगा वो क्या बोलेगा नहीं आई एम सेटिस्फाइड विद सो एंड सो वेजेस आई एम नॉट गोइंग टू वर्क मोर सो आपका जो सप्लाई कव पहले ऊपर जाता था वो अभी क्या हो जाएगा पीछे घूम के बुमारैंग करके पीछे आएगा जिसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ लेबर कह ठीक है बैकवर्ड मूविंग बैकवर्ड बेंडिंग आप देख सकते हो यहाँ पे दर इज़ अ बैकवर्ड मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप सप्लाई कहो पहले सप्लाई को क्या हो रहा है देखो पहले नॉर्मल सप्लाई जैसा बढ़ रहा है लेकिन एट द गिवन पॉइंट ओके जब आपने उनका वेज रेट बहुत ही बढ़ा दिया 300 कर दिया पहले सौ रुपये में काम करता था फिर दो सौ में आपने बोला तो ज़्यादा काम करने लगा जब तीन सौ रुपया कर दिया तो वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है उसका देखो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है वो उल्टा काम उसने कम कर दिया और आपका सप्लाई लेबर कहो क्या हो गया पीछे बुमरैंग कर दिया पीछे बैकवर्ड बैंडिंग हो गया तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड बैंडिंग सप्लाई कहो इसका ये मानना है कि वेज वेज लेबरर्स को अगर आपने ज्यादा पगार भी दिया तो एक टाइम तक वो ज्यादा काम करेंगे बट आगे चल के वो ज्यादा काम नहीं करेंगे दे विल से आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वेज आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई वर्किंग आवर्स सो ये सप्लाई बेंड, बैकवर्ड बैंडिंग सप्लाई कहो आपको शॉर्ट नोट वगैरह में भी आ सकता है उसके बाद लेट्स सी अदर पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेकेंड एक्सेप्शन एग्रीकल्चर गुड्स द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स एज देआर प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक सीजन एंड देर प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन ओके सो कहने के लिए जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन द अनफेवरेबल वेदर तो उनके लिए लॉ ऑफ सप्लाई कभी काम नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छा बारिश हुआ तो अच्छा अपने अगर राइस वगैरह अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो सप्लाई अच्छा विल भी मोर बट बारिश नहीं हुआ पानी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सप्लाई अच्छा विल भी लेस बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है सो एग्रीकल्चर गुड्स में ये लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है थर्ड अर्जेंट नीड ऑफ कैश इफ अ सेलर इज इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश ही विल सेल ऑल इज आउटपुट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोड्यूसर हूं मैंने टेन थाउजेंड क्वांटिटीज बना के रखा है गोडाउन में बट आई एम इन नीड ऑफ कैश तो मैं प्राइस बढ़ने के रहा नहीं देखूंगा मैं क्या करूंगा पूरे का पूरा क्वांटिटी उसी प्राइस में बेच दूंगा जो मुझे मार्केट में अवेलेबल है बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ कैश फोर्थ पेरिशेबल गुड्स पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है आइसक्रीम आपने देखा होगा आइसक्रीम वेजिटेबल्स मीट फिश ये सब चीज़ें कैसी होती है पेरिशेबल पेरिशेबल का मतलब है उसको तुरंत आपको कंजूम कंज्यूम करना पड़ता होगा कंजम्पशन करना पड़ता है नहीं तो वो बिगड़ सकती है तो ऐसे मामलों में ऐसी चीजों के मामलों में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है फिफ्थ रेयर गुड्स रेयर गुड्स का मतलब क्या होता है विच आर एंटिक आपने देखा होगा ना एंटिक कभी कभी कोई बड़े बड़े अमीर लोगों के ऑफिस में पेंटिंग्स लगी हुई होती है कोई फेमस पेंटर की पेंटिंग्स लगी हुई होती है मैंने पाँच करोड़ में खरीदा मैंने दस करोड़ में खरीदा वो पेंटिंग में होता कुछ नहीं है ठीक है आप उस पेंटिंग को उल्टा देखो सीधा देखो दाएँ देखो बाएं से देखो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको लेकिन सिर्फ उसको एक महान चित्रकार कलाकार ने बनाई है इसके लिए उसकी प्राइस करोड़ों में होती है ठीक है अगर कोई बच्चा भी ब्रश लेके मार देगा तो ऐसी पेंटिंग बन जाएगी बट उसकी प्राइस अलग होती है ठीक है क्योंकि वो रेयर एंटिक आइटम होती है तो ऐसी आइटम के लिए सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है बिकॉज उसका प्राइस और सप्लाई से कोई रिलेशन नहीं होता है ओके सो so, रेयर एंटिक गोल्ड ओल्ड ओल्ड कॉइन्स पेंटिंग्स ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एंटिक फर्नीचर गुड्स ऐसे के ऐसे मामलों में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई और जैसे मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर ये जो टेबल है एकदम इजी टेबल है ठीक है आपको क्वांटिटी भी बढ़ता हुआ दिखाना है और सप्लाई भी बढ़ता हुआ दिखाना है और लॉ ऑफ सप्लाई का जो कव है दैट इज़ एकदम सिंपल है ये खाली आपको एक सप्लाई कव ऊपर जाते हुए दिखाना है लॉ ऑफ सप्लाई ऑलवेज गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अगर आपको लॉ ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है

लुक यर क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर सेवन में स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई पूरा लिखा देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन ओके विथ एक्सेप्शन पूछा है यहां पर विथ एक्सेप्शन की जगह पे एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो आपको क्या पूछा जाएगा एजम्पन्स ओके एक्सेप्शंस की जगह पर आपको एजम्शन भी पूछा जाएगा लेकिन ऐसा ही आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन या फिर विथ एजम्शंस ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई थैंक यू